बंदों सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। सिंगार ग्रंथ प्रकरण 25। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्द का प्रकरण। धामधनी अक्षरातीत अपनी प्यारी लाडली अंगना इंद्रावती के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और अपने हुक्म को हुक्म दिया कि मेरे दिल से इल्म के सागर की बूंदों को इस भांति पहुंचाओ कि सभी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में आकर सो गई हैं वो जागृत हो जाएं, अपने मूल इश्क को पहचान कर प्राप्त कर लें और मेरे पास आ जाए। इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, सबों ज्यादा इश्क कहया अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को। तिन फरेब में रल गईयां। आदरणीय सुंदर साज जी, ये वाणी चितवन की वाणी है, ध्यान की वाणी है। इसका एक एक हर्फ राज्य के दिल में बहता हुआ इश्क का सागर है और उसी सागर से लबालब भरा हुआ इल्म का सागर है और इल्म के सागर से जो लहरें आ रही हैं उन लहरों को देखना है, उसमें झीलना है। अब इसके एक एक हर्फ आपको अपने धाम की याद दिलाएंगे, मूल मिलावे की याद दिलाएंगे, धनी के चरणों की याद दिलाएंगे। उन चरणों से हमारी निस्बत कैसी है उसकी याद दिलाएंगे और धनी के सुंदर मुखारविंद, उनके सुंदर नैन जो हम भूल चुके हैं वो सबकी याद दिलाएंगे। परम धाम जो खिलवत का स्वरूप है, खिलवत मूलतः राज्य के दिल को कहते हैं और राज्य का दिल ही प्रकट रूप में श्यामा जी हैं और परम धाम है। तो श्यामा जी भी खिलवत का स्वरूप है, रूहें भी खिलवत का स्वरूप है और परम धाम भी खिलवत का स्वरूप है। और उस परम धाम में अनादि से शाश्वत कदीमी हमेशा से रूहों और राज्य के बीच में जो स्वलीला अद्वैत में अर्श की हकीकत में एक
हास्य भरा विनोद प्रेम की लीला में प्रेम भरा रब्द होता रहता था। रब्द माने बातचीत, बहस, लेकिन गुस्से वाला बहस नहीं, प्रेम वाला बहस, और माधुर्यता से भरा हुआ रब्द। इश्क रब्द खिलवत में, वो रब्द जिसके हर हर्फ में इश्क भरा था और प्रेम की अतिरेक अवस्था में रूहें हर घड़ी हर पल धामधनी को ये कहती रहती थी कि धनी मेरा इश्क, हमारा इश्क आपके इश्क से बड़ा है। और यही बात श्यामा जी भी कहती थी और यही बात राजी भी कहते थे। राजी हम रूहों की बात को सुनकर मुस्कुराते रहते थे और कहते थे, नहीं तुम कह तो रही हो अपना इश्क बड़ा, लेकिन मेरा इश्क तुम्हारे इश्क से बड़ा। ये जानबूझकर धनी ऐसा कहते थे, क्योंकि उनके दिल में रूहों के प्रति अनंत लाड़ भरा हुआ था और लाड़ की हर लहरें रूहों को पिलाते रहते थे। लेकिन उनके दिल में लाड़ के अनंत लहरें होने से हमने बहुत कुछ पिया परम धाम की हकीकत में, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी पिया। तो धनी जो नहीं पिया उसको भी पिलाना चाहते, और इस वास्ते धनी शाश्वत रूप से, अनादि रूप से, कदीमी से, हमेशा से इश्क रब्द की लीला करते रहते थे। होता यूं था, परम धाम के अंदर हम रूहें अपने दिल के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है, वो राजी के ऊपर अपने हर अंगों से न्योछावर करती थी, और न्योछावर करते समय हम इतना उसमें खो जाते थे कि धनी क्या हमें दे रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता था। अगर मूल में देखो मेरे प्यारे सुंदर साथ, तो परम धाम राजी के दिल का ही प्रकट रूप है। राजी के दिल में इश्क ही इश्क भरा है, तो उनके हर अंगों में इश्क भरा है, और रूहें भी राजी का अंग है, नूर तन है, वो भी उनके दिल का प्रकट स्वरूप है, और रूहों के दिल में भी राजी का ही दिल बसता है। तो इश्क तो एक ही है, राजी का दिल इश्क का पुंज है, गंजान गंज सागर है। अब वो दिल जिसके जिसके अंदर आएगा तो इश्क ही लेकर आएगा। तो सुंदर साथ आप इस बात को समझें कि जो इश्क राजी के दिल में है वही इश्क रूहों के दिल में है, क्योंकि रूहों के दिल में भी राजी का ही दिल है। तो इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क जो है वो तो बड़ा है,
चाहे वो राज्जी के दिल में हो, चाहे रूहों के दिल में हो, चाहे श्यामा जी के दिल में हो, चाहे परम धाम के 25 पक्षों या अनंत पक्षों की अनंत चैतन्यता में हो, सब राज्जी का दिल रखती हैं और सबके अंदर वही इश्क है और वही इश्क कहलाता है। जब राज्जी कहते हैं तो कहते हैं मेरा इश्क बड़ा, जब रूहें कहती हैं तो वो कहती हैं मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी कहती हैं तो वही राज्जी का दिल ही श्यामा जी के अंदर बैठकर कहता है मेरा इश्क बड़ा है, तो वो सब राज्जी का दिल का इश्क। तो बड़ा छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क मात्र एक है और वो राज्जी का दिल है और वो ही राज्जी के दिल में है और अनंत रूपों में वही दिल क्रीड़ा करता है और वही दिल कहता रहता है मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। एक ही आवाज हर मुख से निकलती है और मुख से निकलने वाली आवाज कहाँ से निकलती है, दिल से निकलती है। आज मेरा मुख कुछ बोल रहा है तो ये शरीर का मुख तो कभी बोलता नहीं, बोलवाता है जो मेरा दिल होता है। दिल से आवाज निकलती है तो मुख तो एकमात्र साधन है उस दिल की बात को जुबां पे लाकर प्रकट कर देना। तो अब आप देख लो, राज्जी के दिल में इश्क, रूहों के दिल में इश्क, श्यामा जी के दिल में इश्क, सबके दिल में राज्जी का दिल और उसी दिल में इश्क, और वही इश्क हर जुबां से निकलेगा तो एक ही बात कहेगा मेरा इश्क बड़ा। अगर इस बात को हम जान लेते परम धाम में तो रब्द ही ना होता। अगर हमें वहां ये बात पता होती कि मेरा अलग राज्जी से कोई स्वरूप नहीं है, जो राज्जी का तन है वही तन ने एक जुदा आकार लेके बैठा है, लेकिन तन राज्जी का ही है। रूहों तुम मेरे तन हो, खिलवत में कहते हैं रूहों तुम मेरे नूर तन हो। नूर राज्जी का दिल, राज्जी का दिल ही जब अनंत गुणों के साथ उनके मुखारबिंद पे प्रकट होता है तो वो नूर का सागर हो जाता। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। उनके मुखारविंद पे उनके दिल के अनंत गुण, प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, माधुर्यता, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता सब राज्जी के मुखारविंद पे है। और क्योंकि वही दिल रूहों के दिल में है तो उनके दिल पे भी वही नूर एकत्व वाला, प्रेम वाला, आनंद वाला, अनंत सौंदर्य से भरा हुआ। बस आकार अलग अलग तो रसना अलग अलग, और हर रसना दिल के सागर से लहर निकालती हुई जुबा से, जुबा यानी रसना, रस से भरी रहती है। वहां की जुबा इश्क के रस से भरी हुई होती है, एकत्व के रस से भरी हुई होती है, निस्बत के रस से भरी हुई होती है, खिलवत के रस से भरी हुई होती है, नूर के रस से भरी हुई होती है। तो वो जुबां से दिल से निकला और जुबां ने वो बात कह दी। तो रूहों ने कहा,
तो वही राज्जी का दिल कह रहा है कि मेरा इश्क बढ़ा। राज्जी के मुखारविंद में से जब वो बात उनके रसना से निकलती है तो वही बात उसी दिल से, दिल एक ही है, तो कहता है मेरा इश्क बढ़ा। श्यामा जी कहती हैं तो वही राज्जी का दिल कहता है, लेकिन उनकी रसना से कहता है मेरा इश्क बढ़ा। इश्क तो बड़ा है ही, चाहे कोई कहे। तो इश्क रब्द खिलवत में, मेरे प्यारे सुंदर साथ, यहां पर इल्म ने हमें यह जानकारी दे दी। क्या? मैं हक अर्स में जुदे जानती, मुझे राजी अलग लगते थे, हमसे न्यारे लगते थे। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। ये जो शब्द था मेरी जुबां से निकला तो मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी की जुबां से निकला तो मेरा इश्क बड़ा, राज्जी की जुबां से निकला तो मेरा इश्क बड़ा। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। तो सुंदर साथ जी, मूल में ये रब्द कोई रब्द नहीं था, लेकिन रूहों को लाड़ के हर तरंग को पिलाना था, उसकी वजह से ये रब्द कारण बना। क्या हमें परमधाम में पता था कि मैं और राज्जी अलग नहीं है? अगर हमें यह पता होता तो रब्द कैसा? अगर हमें यह पता होता कि मेरा तन और मेरा दिल राज्जी का ही तन है और राज्जी का ही दिल, तो क्या रब्द होता? यही बात पता करने के वास्ते सुंदर साथ, राज्जी ने ऐसा करिश्मा किया कि मैं इनको दिखा दूंगा। ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरा इश्क बड़ा है उनका छोटा, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनको ये दिखा दूंगा कि इश्क बस एक है। एक माने अद्वैत है। अद्वैत जब राज्जी के दिल में होता है तो वो मार्फत होता है, और अद्वैत जब उनका दिल प्रकट होता है तो वो हकीकत होता है। इस प्रकरण का नाम ही है मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का प्रकरण। तो इस रब्द का मूल जब हम एक बार समझ लेंगे तो यहां बैठे बैठे हमें परमधाम के इश्क का पान करने को मिल जाएगा। खिलवत में धाम के धनी कहते हैं, श्यामा जी को बता रहे हैं श्याम जी के मंदिर में, मैं छिपा हूं इनसे, मैं रूहों से यहां पर छिपा हूं, परमधाम में तो मेरे सामने रहती है लेकिन इस ब्रह्मांड में मैं इनसे छिपा हूं। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले। रूहों को राज्जी ने कहां लिया? अपने नजर में। कभी सुंदर साथ, अगर आपने तारतम ज्ञान को सही रूप में ग्रहण किया है, वाणी का चिंतन किया है, मनन किया है, गुणन किया है, और वाणी के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को देखा है, अपने मूल तन के स्वरूप को देखा है, जुगल स्वरूप को देखा है, उनके नक्शे शिख तक के सिंगार को देखा है, परम धाम के 25 पक्षों में रमण किया है, उसके सौंदर्य को आंका है, देखा है, दिल में निहारा है, दिल में लिया है,
तो आप ये जान लो कि आप राजी के नजरों में स्थित हो। आत्माएं स्थित हैं राजी के नजरों में, मैं छिपा हूं इनसे, वो मुझे नहीं देख पा रही, लेकिन मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले। यानी आत्माएं कहां हैं? राजी की नजर में। और नजर कहां होता है? नैनों में। राजी के नैनों में आत्माएं बसती हैं। यहां हमसे कभी ये भूल नहीं होनी चाहिए कि चलो अभी कोई देख नहीं रहा है, हम कोई गलत हरकत करते हैं। मेरे दिल के अंदर जो माया की तृष्णाएं भर जाती हैं, चलो उसके अधीन होकर हम कुछ कर बैठते हैं। राजी की नजर हर घड़ी हर पल अपनी प्यारी रूहों के ऊपर रहती है। एक क्षण के लिए भी उनकी नजरों से हम रूहें जुदा नहीं हो सकती। मैं छिपा हूं इनसे। श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को राज्य परमधाम के सौंदर्य और श्रृंगार में सजकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नहीं ए। जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोय, इश्क बिना इन अर्स में पैठ न सके कोई। अब अगर हमारे प्यारे सुंदर साथ अगर अपने दिल में ये भाव ले लेते हैं कि हम तो तारतम लेके सुंदर साथ के जमात में शामिल हो गए, वाणी के रहस्यों को नहीं पकड़ा, हकीकत के भेद अपने दिल में देखने नहीं लगे, मार्फत के भेद देखने नहीं लगे, और राजी की नजरों से बच के कहीं और नजर घुमा ली, तो पहले तो ये समझ लो कि हमारा इश्क में बैठना हो सकता नहीं। इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। हम चितवन करते हैं, भाव क्या रहता है? कि हम धनी के नख से शिख तक के श्रृंगार को का वर्ण करें, उसको देखें, भाव तो यही रहता है। लेकिन ये मात्र एक कोरी कल्पना रह जाएगी अगर हम ये सोचें कि हमने मूल मिलावे में धनी के दीदार कर लिए। नहीं होगा दीदार। आप वर्षों हम और आप किसी भी मुद्रा में बैठकर चितवन करते रहें, वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इश्क को ग्रहण नहीं, इश्क का वर्ण नहीं किया। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ में राजी कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपने निस्बत की पहचान नहीं होगी, तब तक तुमको इश्क मिलेगा नहीं। क्या हमें निस्बत की पहचान है? असल निस्बत की पहचान है?
मेरा दिल, इस आत्मा का दिल, इस तीन दिल हैं इस वजूद के अंदर। एक इस तन का दिल जो मांस का एक लोथड़ा है, इसके अंदर एक चेतन तत्व है जिसका मूल माया है, माया ही उसके जीवन का आधार है, तो वो जीव कहलाता है, उसका दिल है। दिल माने अंतस्करण, जिस दिल के अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों का ही समावेश होता है। तो मन की लीला अलग, चित्त की लीला अलग, बुद्धि की लीला अलग, अहंकार की लीला अलग, लेकिन इन चारों का जब एक समूह होता है तो उसको दिल कहते हैं। और मैं यहां पर दिल से मुखातिब हूं, इसलिए मन क्या करता है, चित्त क्या करता है, बुद्धि क्या करता है, अहंकार क्या करता है, भूल जाओ, सिर्फ दिल को देखो। तो एक जीव का दिल है। और इसी प्रकार से परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, परात्म की नजर को लेकर, राज्य के हुक्म को लेकर इस तन के अंदर विराजमान होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और वो आत्मा का भी दिल है। तो जीव के दिल, जीव ने तो राज्य से रब्द किया नहीं था। जीव का मूल तो परम धाम में है नहीं। तो ये इश्क का स्वरूप किसके पास? आत्मा के पास, न कि जीव के पास। तो ये बातें जो की जा रही हैं वो जीव के लिए नहीं की जा रही हैं। किसके लिए की जा रही हैं? आत्मा के लिए। रब्द रूहों ने किया। तो कहते हैं, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो। तो जब आत्मा का दिल, परात्म का दिल और राज्य का दिल एक है, दिल मोमिन अर्शतन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। तो जो आत्मा का दिल है वही परातम का दिल है, और जो परातम का दिल है वही राज्य का दिल है। तो इन तीनों दिल में कोई भेद नहीं। तो वही इश्क परातम के दिल में, वही इश्क राज्य के दिल में, वही इश्क आत्मा के दिल में। बस आत्मा के समक्ष जो माया का एक घना पर्दा छाया हुआ है, जब तारतम के उजाले से वो उठ जाता है, तो मुझे, जब मैं कहता हूं मुझे, यानी ये आत्मा की आवाज है, जब मेरी आत्मा अपने अंगों को देख लेती है, अपने दिल को देख लेती है, और अपना मूल तन देख लेती है, मूल तन के सिंगार से सज जाती है, तो जुगल स्वरूप के नख से शिक तक के सिंगार का दर्शन करती है, चितवन से, ध्यान से। और राज्य के जितने अंग हैं वो सारे क्या हैं? इश्क के सागर हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य के, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन कादर। ये सामर्थ्य कौन रखता है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टिया रूह है, आत्मा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुंदर साथ प्यार से,
अपना दिल अपने अंदर से निकाल के राजी के चरणों में रखकर उनके नक्शे शिक तक के सिंगार का जो इल्म ने वर्णन कर दिया उससे पहले ग्रहण करें। जब इल्म से मैं उसे ग्रहण करती जाऊंगी तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि परम धाम के 25 पक्ष भी राज्जी के ही अंग हैं। जेते अंग देखे जेते सूरत के, तो सिर्फ मूल मिलावे में बैठे हुए धनी के आकार का ही वर्णन नहीं हो रहा है जो इश्क का सागर है। परम धाम का कोई भी आकार, चाहे वो पुखराज पहाड़ हो, चाहे माणिक पहाड़ हो, चाहे आठों सागर 8 जिमी हो, चाहे बाग हो, बगीचे हो, वन हो, बड़ो वन, मधुबन, महाबन, नूर कुंजवन, निकुंजवन, हौज कौसर, 24 सांस का महल, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़, माणिक पहाड़ का फिरावा, वन की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग, महानद, नूरबाग, फूलबाग, अनबन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, अमृत वन, केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन वन, नारंगी वन, बट वन, बट पीपल की चौकी, जहां भी नजर घुमाइए आपको इश्क का सागर ही लहराता हुआ दिखेगा। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। और रूहों का अंग कहां बैठता है? इश्क के सागर में, क्योंकि हमारे मूल तन कहां है? परम धाम में। और परम धाम ही इश्क के सागर की लहरों के अंदर स्थित है, यानी राज्य के दिल के ही अंदर स्थित है। ये बात है तो थोड़ी गहरी, लेकिन अगर निस्बत से, निस्बत के कानों से सुनेंगे तो इतना आसान लगेगा कि आपके दिल में इतना उमंग भर जाएगा कि आप धनी के चरणों में एक क्षण के अंदर पहुंच जाएंगे, एक पलक में जगे। तो इस रब्द खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, ये होता रहता था। सबों ज्यादा इश्क कहया अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को। सब अपना अपना ज्यादा कह रहे थे, और मैंने मूल में ही बता दिया एक ही दिल कई आकार धारण करके कई जुबान से ये बात कह रहे हैं। इश्क ही कह रहा है, चाहे जुबान किसी का भी हो, किसी भी आकार का हो, है सारे आकार राज्जी के, और कहने वाला राज्जी का दिल ही है। तो तिलसम दिखाया रूहों को, तिलसम माने तिलस्म, एक जादू का खेल। जादू का खेल मतलब एक जैसे बाजीगर होता है, एक जादूगर होता है ना, वो कोई खेल दिखाता है तो ऐसे दिखाएगा कि ये रुमाल खाली है, फिर रुमाल को ऐसे मोड़ेगा और खोलेगा तो उसके अंदर से एक कबूतर निकल जाएगा। तो न कबूतर सच है, न वो रुमाल सच है, न जादूगर सच है। तो ऐसा माया का, जादू का खेल दिखाया कि जो है नहीं लेकिन हमको लगता है यही सत्य है, और वो तो पता नहीं सत्य है कि नहीं। परम धाम राज्जी कहते हैं तो सत्य ही होगा, लेकिन दिल में थोड़ा थोड़ा शक क्या है। यह है हमारी निस्बत, जो हर घड़ी हर पल राज्जी के नैनों से नैना मिला के रहते थे, उनके चरण कमलों के को पकड़कर उसके सुगंध को, उसकी कोमलता को, उसके रस को पिया करते थे।
उनके नैनों से रस पिया करते थे, और आज हमारा दिल का नैन तरसता नहीं है कि मैं अपने पिया के नैनों से उनके रस को पी सकूं। क्या हो गया है? क्योंकि हमको शक ने घेर रखा है इस तिलस्म के। और राजी कहते हैं कि जब वो इस शक के दायरे, और शक को मिटाऊंगा भी मैं ही। शक को मिटाएगा कौन? क्या कहते हैं राजी? मैं इनों को जगाऊंगा। मैं माने राजी, इनको कोई और नहीं जगा सकता क्योंकि मैं ही जगा हुआ हूं। मैं इनों को जगाऊंगा, भान के सुबह शक, इनके दिल पे जो शक का पर्दा गहराया हुआ है उसको हटा दूंगा। मैं इनों को जगाऊंगा, भान के सुबह शक, इनों को इन जिमी में, इस ब्रह्मांड में, इस तिलस्म की दुनिया में करो वाहदत माफक। वाहदत के सभी स्वरूप परम धाम में। राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, परम धाम के 25 पक्ष, पशु पक्षी, पहाड़ से लेके तिनका तक, तिनके से लेके पहाड़ तक, सब राजी का स्वरूप। तो जब और सारे ही वाहदत के स्वरूप, जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहदत के माहे, जरा एक बिना वाहदत सो तो कछुए नाए। परम धाम में हर चीज वाहदत है, और उसी पर आत्म का प्रतिबिंब, पर आत्म के दिल के नैन की नजर को लेकर हुक्म राजी का, उसको लेकर प्रेम से इस तन के अंदर आकर विराजमान हो गया, तो इस आदमी का दिल अर्श कहलाया। इश्क तो परम धाम से ही है क्योंकि राजी का ही दिल है। और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, पर ए आसिक मासूक की वाहदत, बिना आसिक ना कोई कादर। सिर्फ राजी का ही ये सामर्थ्य है कि सपने के ब्रह्मांड में आत्माओं के दिल में स्वयं बैठे हैं। माया का पर्दा पड़ा है, और उस पर्दे को हटाने का दावा भी हमारे राजी ने ही लिया है। मैं इनों को जगाऊंगा, भान के सुबह शक, ये शक का जो पर्दा है उसको मैं ही हटाऊंगा, और इसी ब्रह्मांड में, इस जिमी में करो वाहदत माफक। जैसे परम धाम में इनके कौल फैल हाल है, वैसे ही कौल फैल हाल इनके यहां भी मैं ही करूंगा। इलम दिया तुम्हें खुदाई, खुदाई मतलब राजी ने अपने दिल से दिया। इलम दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहदत का तो बेर न लगे हाल। जब इस इल्म की लहरों से हम झीलने लगेंगे, तो इस तन के फैल स्वतः ही आत्मा के अनुरूप हो जाएंगे। अभी हमारा तन किससे जो क्रियाकलाप होता है, वो ऐसा लगता है कि वो जीव के द्वारा किया जा रहा है। हम क्रोध भी कर बैठते हैं, हम द्वेष भी कर बैठते हैं जो माया का अंग है, हम निंदा भी कर बैठते हैं, हम कभी कर्कश आवाज में भी बोल देते हैं। ये सारी करनी होती है, कहना भी करनी का ही एक स्वरूप होता है।
लेकिन जब मैं अपने दिल के अंदर आत्मस्वरूप को झांक लेती हूँ, अपने आत्मस्वरूप को झांक लेती हूँ, अपने अंदर राज्य के स्वरूप को झांक लेती हूँ, तो मेरा स्वरूप पर आत्म के प्रतिबिंबित हू बहु उसके स्वरूप जैसा हो जाता है और दोनों का दिल एक हो जाता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। तो इस तिलस्म की दुनिया में, इस जादू की दुनिया में, जहां सारे खेल के कबूतर हैं, बाजीगर के कबूतर हैं, जिनका कोई स्वरूप ना होकर भी ऐसा लगता है कि यही स्वरूप है, मैं जब इससे अलग हो जाती हूं, परम धाम में तो राज्य से अपने आप को अलग समझती थी और इस ब्रह्मांड में आने के बाद अपने को माया से अलग नहीं समझ पा रही हूं, तो ये राज्य के इल्म से ही मैं समझ पाऊंगी। तो कहते हैं, सबो ज्यादा इश्क कहया अपना, तो तिलसम देखाया रूहों को। तिन फरेब में, फरेब मतलब होता धोखा, धोखा मतलब जो नहीं है वो है दिखता है और जो है वो नहीं दिखता है। तो कहते हैं, तिन फरेब में रल गईया, मतलब उसमें डूब गए। तिन फरेब में रल गईया, जित पाइए ना इश्क हक। इस ब्रह्मांड में इश्क नहीं मिलेगा। इश्क कहां मिलेगा? आत्मा के दिल में मिलेगा। तिन फरेब में रल गईया, जित पाइए ना इश्क हक। कहें हक मोहे तब पाओगे, जब लियोगे मेरा इश्क। श्री महामत कहे, ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, निस्बत सागर में और इश्क के सागर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उस सागर की लहरों में ही निस्बतियों का निवास है। राजी के हर अंग में बसता कौन है? रूहें, और हर अंग इश्क का सागर है। कहें हक मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। और इश्क तब ले सकते हो जब आपको अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी। देखो सुंदर साथ, इस ब्रह्मांड के अंदर निस्बत तन से है, बाप बेटा, पति पत्नी, इवन मित्र, दो मित्र जो घनिष्ठ हैं, तो तन से उनका जुड़ाव रहता है, लेकिन दिल सबके जुदा जुदा, जीव का दिल जुदा जुदा। आत्मा का दिल है तो एक, लेकिन अभी हम अपने दिल को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हम जीव के ही दिल में घूम रहे हैं। जीव के ही दिल को अपना दिल मान बैठे, अपने दिल को तो देख ही नहीं रहे। तो कहें हक मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। और उनका इश्क कब मिलेगा? जब मैं अपने निस्बत स्वरूप में बैठूंगी, परम धाम में एक तनी है, एक तिली है, एकत्व है, और नूर का सबका तन है जो राजी का ही तन है। तो परम धाम में निस्बत तन से भी है और दिल से भी है, और जो असल निस्बत है वो दिल से है। निस्बत तन से, नूरी तन से, और असल निस्बत पूरी मेहर जित
हक की तित और कहा चाहियत। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। यानी राजी का दिल जब आपको ये इल्म के द्वारा पता लग जाएगा कि उनका दिल पर आत्म के दिल में और पर आत्म का दिल आत्मा के दिल में, तो दिल से दिल जुड़ जाएगा तो दिल के अनंत सागरों की लहरें स्वतः ही आत्मा के दिल में बहने लगेगा। तो इस प्रकार से अपनी निस्बत की पहचान करके मेरे इश्क के इश्क को ले लोगे तब तुम मुझको पाओगे, तब तुम मेरे असल स्वरूप को, मेरे मार्फत के स्वरूप की पहचान कर पाओगे, हकीकत के स्वरूप की पहचान कर पाओगे। यों हकें छिपाइयां खेल में। अब राजी ने हमारी नजर इस खेल में डाल दी है तो क्या करें। यों हकें छिपाइयां खेल में, लेकिन दे इलम करी खबर दान। और इल्म देकर हमें सावचेत भी कर दिया कि मैंने तुम्हें इस तिलस्म में भेजा तो है लेकिन सावचेत भी कर रहा हूं। यों हके छिपाइयां खेल में दे इलम करी खबरदार, रब्द किया याही वास्ते ले आओ प्यार करो दीदार। हाय हाय सुंदर साथ, कितने लाड़ से दाम के धनी कह रहे हैं कि बस उस प्यार की पहचान भर कर लो। देखो मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दोष दूंगा तो दोष किसको लगेगा, मुझे ही लगेगा। ऐसा राजी, क्योंकि राजी तो जानते हैं ना कि ब्रह्म सृष्टियां उन्हीं का स्वरूप है। अगर ब्रह्म सृष्टियों को दोष देंगे, उनके सिर पर कोई गुनाह लगाएंगे तो वो गुनाह मूल में किसके ऊपर जाएगा, राजी के ऊपर जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो किसी गुनाह के भागीदार आप नहीं बन सकते। अगर आपने इलम से अपने आप को खबरदार कर लिया है तो प्यार की लहरें अपने आप आएंगी और आप धनी के चरणों में स्वतः ही स्वयं ही पहुंच जाएंगे। मोमिन हक को जानत। इल्म से तो यहां हम राजी को जान गए और परम धाम में तो हम राजी को जानते ही हैं। नजीक बैठे हैं इत, यानी उनके चरण तली के चरण तली को पकड़कर परातम बैठी है और मेरी आत्मा भी उसी चरणों में अपने नजरों को गड़ाए बैठी। हक कदम हमारे हाथ में, पर हम नजरों ना देखत। राजी के चरण कमल आत्मा के हाथ में। जो कदी आसिक खोले नैन को, जो रूहें हैं जब अपने दिल को खोल देती है, दिल के नैनों को खोल देती है, इल्म से खोल देती है। जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। राजी के दोनों चरण कमल, अगर मेरी आत्मा की नजर अब इल्म से खबरदार होकर खुल गई है तो सबसे पहले आत्मा क्या करेगी,
पहले हाथों पकड़े दो पाए। नैन अंग नूर जमाल के, और जो राज्य के नैन है वो जमाली के अनंत गुणों से, जमाली यानी सौंदर्य, और सौंदर्य के ही गुण है प्रेम और आनंद एकत्व। नैन अंग नूर जमाल के सो आसिक से क्यों चाहे, और जब मैं चरणों को पकड़ती हूं तो मेरे नैन, परातम के नैन तो राज्य के नैनों से जुड़े हैं, और जब मैं परातम स्वरूप से अरस परस होती हूँ तो मैं राज्य के नैनों को देखती हूँ और इलम से खबरदार हो चुकी हूँ, तो अब राज्य के नैनों से प्रेम का रस मेरे दिल में पहुंचने लगता है। चरण पकड़ते ही सुंदर साथ, हक कदम हमारे हाथ में पर हम नजरों ना देखत, परम धाम में फरामोशी। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। परातम के नैन और राज्जी के नैन कभी भी अलग नहीं होते, हर घड़ी हर पल परातम के नैन राज्जी के नैनों से जुड़े होते हैं। नैन के नजर फरामोशी में बह गई है, लेकिन नैन तो साक्षात उसके तन में है, और उन साक्षात तन के साक्षात नैनों में पर आत्म राज्जी का प्रतिबिंब अनादि रूप से अखंड रूप से विराजमान है, और वो स्वरूप परात्म के दिल के अंदर है। और जब उसी पर आत्म के दिल के नैन की नजर उसके प्रतिबिंबित स्वरूप स्वप्न स्वरूप पे पड़ती है, ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में वो असल हमारे तन। राजी के दिल के भीतर ही सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत, ए चौदे तबक जरा नहीं, ए तो दिल में बड़ा देखत। परातम का दिल राजी के दिल में इस स्वप्न के स्वरूप को देख रही है, परातम का तन नहीं देख रहा, परातम का दिल देख रहा है, और वो दिल कहां विराजमान है, राजी के दिल में। और राजी के दिल में विराजमान होकर उस स्वप्न अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप स्वप्न स्वरूप पर उसकी नजर पड़ती है, और स्वप्न मंडल भी वैसा ही जैसा परम धाम का प्रतिबिंबित स्वरूप, और वो सारी राजी की नजर में रहती है, और वो यहां पर आकर इन तनों पर विराजमान हुई तो बस माया का पर्दा पड़ने से बात थोड़ी छूट गई, लेकिन जब ये चरण कमल हमारे हाथ में आ जाते हैं तो धनी की ऐसी सुंदर मेहर भरी नजर से बहने वाले हर इश्क की रस से मैं झीलने लगती हूं, सरोबार हो जाती। सुंदर साथ, फिर से समय की मर्यादा एक चौपाई और फिर इसी प्रकरण को आज ही आप सभी सुंदर साथ के समक्ष आगे की चर्चा
चलती रहेगी। और ये प्रकरण सभी आत्माओं के दिल के बहुत करीब होने चाहिए और इसका पठन, फिर मनन, फिर गुणन, फिर चिंतन और फिर चितवन, फिर ध्यान, फिर सुरता धनी के चरणों में लगना चाहिए। इसलिए इसी प्रकरण की आगे करेंगे। अब एक चौपाई थोड़ा सा संक्षेप में बयान और फिर आज आप लोग अपने दिलों में उसको मथिए और फिर जब कुछ समय पश्चात बैठेंगे तो उसके लहरों में डूबेंगे। वो चौपाई क्या कहती है? बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। सुंदर साथ, कुछ दिल में तड़प पैदा हो रही। बैठे मासूक जाहिर श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर, महाराज ठाकुर के तन को पकड़कर जो हफ्सा में समाप्त हो चुका था, उस तन को वापस खड़ा किया हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। वो आज भी सुंदर श्री परना मिने श्री गुम्मट जी की तरहटी में झूले पर विराजमान समाधिस्थ है, क्योंकि वो हमको छोड़ के कहीं जा सकते नहीं, क्योंकि उस दिल के अंदर राजी स्वयं विराजमान है और उनका इल्म रूपी वांगमय स्वरूप हम सबके दर्शन हेतु वहां सिंहासन पर ऊपर विराजमान है, 12 थंभों के सिंहासन पर जो पाट घाट का स्वरूप है परम धाम का। इल्म रूपी जमुना जी बह रही हैं और उस इल्म में हमें झील कर अपने पिया के चरण को पकड़ना है। तो कहते हैं बैठे मासूक जाहिर, वहां भी, और जब आत्मा का दिल जागृत हो जाएगा तो अब हर आत्मा अपने दिल में उस उनको देख सकेगी। इंद्रावती जी फरमाती है, वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को। अपने दिल माने सिर्फ इंद्रावती का दिल नहीं, सभी आत्माओं के दिल को अर्श किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिंगार। तो सुंदर साथ, इस चौपाई को दोहरा ले और जब चर्चा शुरू होगी दोबारा धनी की कृपा से, तब तक इस चौपाई का गुणन कीजिए, मनन कीजिए। मैं भी करूं, आप भी करें। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। तो चौपाई दोहराइए सुंदर साथ। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरसत, हाय हाय नैना बिना तरसत। बोले धाम धनी अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम, प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
सर्वसुंदर साथ कीजिए।